अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल ब्यूटी शॉट और मैं हूँ शमा। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आई हूँ जो कि मुझे मेरी दादी ने सिखाई है। और क्योंकि हम लड़कियों का यही मसला रहता है कि हम अपना रंग आहिर कैसे गोरा करें, और हमें ज़्यादातर घरों में यही प्रॉब्लम होती है कि अम्मी जो होती है वो स्ट्रिक हो आपकी, तो फिर आपको फेशियल, वाइटनिंग फेशियल हो गया, एक्ने फेशियल हो गया, कोई भी स्किन केयर की क्रीम वगैरह यूज़ करने नहीं देती। तो इसलिए मैं आज आपके लिए एक ऐसी होम रेमेडी लेकर आई हूँ जिसमें आपको कोई भी मार्केट से चीज़ मंगवानी नहीं पड़ेगी और आपकी स्किन बहुत ही नरम मुलायम और ख़ूबसूरत नज़र आएगी, जिसको आप हफ्ते में 2 दफ़ा यूज़ करेंगे इस होम रेमेडी को, तो आपको इंशाल्लाह बहुत जल्द ही रिज़ल्ट मिलेगा। इस होम रेमेडी को शुरू करने से पहले आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपने हमारा चैनल ब्यूटी शॉट अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल YouTube चैनल ब्यूटी शॉट को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आज आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो उसको ज़रूर लाइक कीजिएगा। तो आइए चलते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ। आज मैं आपको एक ब्यूटी टिप सिखाऊंगी जो कि बहुत ही इजी है, और इसके लिए हमें चाहिए एक टमाटर और एक टूथपेस्ट, जो कि हर घर में ये दोनों चीज़ें मौजूद होती हैं। तो हमें इससे अपनी जिल्द की स्क्रबिंग करनी है। आप इससे अपने जिल्द के किसी भी हिस्से की स्क्रबिंग कर सकते हैं। स्क्रब करने का मतलब ये है कि स्क्रब से हमारे जिल्द की मुर्दा खाल रिमूव होती है। तो इसलिए हम वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको दिखा रहे हैं कि टमाटर को इस तरह कट कर लेंगे और फिर इसका जो ये जूस है और ये जो बीज हैं ये बहुत काम की चीज़ है, ये इसके अंदर ही रहेगा और इस पर हम लगा लेंगे टूथपेस्ट थोड़ा सा, बस जितना आपने यूज़ करना है फेस पर, हाथों पर, पाँव पर, तो हम उसी लिहाज से टूथपेस्ट लेंगे। जो टूथपेस्ट आप घर में अमूमन यूज़ करते हैं तो आप वही टूथपेस्ट लेंगे। आप इसको टमाटर के ऊपर इस तरह फैला देंगे अच्छी तरीके से, ठीक है। और अब हम इसको इसकी स्क्रबिंग करेंगे। आप जिल्द की किसी भी हिस्से पर स्क्रबिंग कर सकते हैं। मेरी जिल्द जो है वो बहुत ही ड्राई हो रही थी इस टाइम, तो ये इसके लिए ड्राई स्किन के लिए बहुत ही बेस्ट है। अगर आपको गर्मी में कालापन हो जाता है धूप में निकलने से, आपके स्किन पर ब्लैक हेड्स और वाइट हेड आ जाते हैं, या डार्क स्पॉट आपके ज़्यादा हो जाते हैं और आपका कलर जो है वो काला हो जाता है, अगर आप ये यूज़ करेंगे तो बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आपको मिलेगा। आपकी स्किन चमकदार हो जाएगी, इसके साथ ही बहुत ही नरम और मुलायम और ख़ूबसूरत नज़र आएगी। आप किसी भी पार्टी या फंक्शन वगैरह में जाने से पहले आप ये कर सकते हैं। 5 मिनट तक हम लोगों ने मुसलसल इसकी स्क्रबिंग करनी है। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, अब हम इसको रिमूव कर देंगे। हाथ को हम वॉश कर लेंगे ठंडे साफ़ पानी से। कोई भी सॉफ या हैंड वॉश आप यूज़ नहीं करेंगे। फेस वॉश जो भी आप कर रहे हैं यूज़ रेगुलर यूज़ में, होम रेमेडी यूज़ करने के बाद आप कोई भी ऐसी चीज़ यूज़ ना कीजिए। ये आप देख रहे हैं रिज़ल्ट आपके सामने है कि स्किन जो है वो किस तरीके से चमक रही है और नरम मुलायम आपको नज़र आ रहे हैं। ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा।